मोदी सरकार को आज के दिन 4 साल हो चुके हैं। आपको याद रहेगा कि किस तरीके से मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से भारत देश में आई थी और किस प्रकार से युवाओं ने मोदी सरकार से बहुत अपेक्षा रखी थी। आइए जानते हैं आज युवाओं के विचार कि किस तरीके से मोदी सरकार की ये जो रणनीति है, जो नीतियां हैं, वो सफल हो पाई है या ना हो पाई है। आपको बता दूं कि जो मोदी सरकार, उन्होंने काफ़ी कड़क फैसले लिए थे, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक लिया था और वहीं नोटबंदी का कड़क फैसला लिया था, और ऐसे कई फैसले थे जो कि मोदी सरकार ने लिए थे, जैसे कि GST पास किया था मोदी सरकार ने, जो कि व्यापारियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो रहा है और काफ़ी व्यापारीगण इससे रोष में भी हैं। और आइए जानते हैं आज युवाओं से कि किस तरीके से मोदी सरकार से उनको क्या, उनके एम्प्लॉयमेंट में उनका परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है, आइए जानते हैं। आप बताएं किस तरीके से मोदी सरकार ने आपके करियर को लेकर मदद की है। देखो, करियर को लेकर तो काफ़ी हम लोगों को हेल्प मिली, क्योंकि हम लोग जैसे एंजल बुकिंग्स हैं, जैसे शेयर बाजार से हैं, तो मार्केट काफ़ी ग्रो हुआ है। मतलब जब मोदी सरकार नहीं थी उसके पहले, अगर तब का मार्केट अगर बार देखा जाए और अभी का जो शेयर बाजार चल रहा है, सेंसेक्स या निफ्टी की बात करूँ तो 30% ग्रो करी सेंसेक्स ने। तो मतलब काफ़ी कुछ बाजार को देखते हुए तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा है बाजार। मतलब शेयर बाजार कब ऊपर होता है? जब इंडिया विकास करता है, इंडियन मार्केट विकास करता, ग्रोथ करता था। क्या लगता है आपको, मोदी और अमित शाह ने एक तरफ तो ये कहा था कि युवाओं को पकौड़ा बेच भी सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट की जगह वो पकौड़ा भी बेच सकता है, तो क्या लगता है आपको ये जो उनका स्टेटमेंट है, ये आपके करियर के साथ खिलवाड़ नहीं लगता? देखो, पकौड़ा बेचना भी कोई एक वो ऐसा नहीं है कि वो भी एक अपना स्वरोजगार है, ठीक है। रोजगार तो स्वरोजगार, भले ही वो कुछ भी करे, वो स्वरोजगार होता है। मोदी सरकार ने इतने बहुत सारे काम किए, जैसे 4 साल में उन्होंने जो काम किए हैं और हर क्षेत्र में उन्नति हुई है। जैसे पिछले 70 सालों में जो काम हुआ, मैं यूँ नहीं बोलता 70 सालों में काम नहीं हुआ, काम हुआ है, लेकिन जो 4 साल में उन्होंने जिस तेज़ी से काम किया है, सर, मतलब भारत देश को बढ़ाने में, आज देखेंगे आप कि हर देश में और हर कंट्री में भारत का नाम हो रहा है। भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और युवाओं को लेकर, युवाओं में भारत एक कहा जाता है 125 करोड़ युवाओं का देश है, जिसमें से 70-60% लोग युवा हैं, ठीक है। सब लोग एक साथ में काम कर रहे हैं और देश भी प्रगति कर रहा है, जिसमें और हर जगह आपने अमेरिका में देखा होगा भारत देशी लोग जो कर रहे हैं काम। आपको क्या लगता है, जो पेट्रोल और डीजल में जो प्राइस बढ़ी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, और जबकि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना नहीं बढ़ा है, तो क्या लगता है आपको मोदी सरकार इस मुद्दे पर विफल रही है? वो कहीं ना कहीं जैसे कर्नाटक के इलेक्शन के कारण भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, जैसे कि आपने देखा होगा कि चुनाव के कारण जो हुआ था, जो रेट बढ़ना चाहिए था, तो उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए अभी एक साथ में जो भाव बढ़े हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्केट है सर, आ जाएगा वो तो वापस से, फिर से लेवल में आ ही जाएगा, तो वो तो आ ही जाएगा। और आपको क्या लगता है, जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी मोदी सरकार ने, किस तरीके से वो सफल हुई है? क्या वाकई में कश्मीर में पत्थरबाजी कम हुई है? बिल्कुल शानदार तरीके से कम हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करिए तो कश्मीर के पहले की जो लाइफ स्टाइल थी और आज की जो है, आप डिफरेंस साफ देख सकते हो। पहले लोग स्कूलों से दूर भागते थे, जो युवा है वहाँ का वो पत्थरबाजी में इन्वॉल्व होता था, लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से वहाँ पर, हालांकि PDP के साथ उन्होंने गठबंधन में शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, पर उन्होंने अपने मैनेजमेंट से, अपने राजनीतिक अनुभव से इतना शानदार वहाँ का एटमॉस्फियर क्रिएट किया है कि बच्चे स्कूल जाते हैं, युवा पढ़ रहे हैं, तरक्की हो रही है। और आप आज से 4 साल पहले के कश्मीर को और आज के कश्मीर में जो अंतर है वो साफ दिखाई दे रहा है, लोग सिक्योर फील कर रहे हैं वहाँ पर। क्या आपको लगता है बुलेट ट्रेन शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है भारत देश में, या फिर जो अभी जो ट्रेन चल रही है उनकी जो स्थिति वो सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या लगता है आपको मोदी सरकार को इस तौर पर क्या फैसला लेना चाहिए? सर, अगर मैं बुलेट ट्रेन की बात करूं तो ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। अगर आपको दुनिया के साथ में चलना है तो आपको उनकी स्पीड को मैच करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा जो अभी सिस्टम है वो एक दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त करने में समय लगेगा, लेकिन हमें आगे का भी सोचना है। तो उनकी जो सोच है बहुत शानदार है और बुलेट ट्रेन तो आएगी और बहुत शानदार तरीके से आएगी। आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह ने एक तौर पर कहा था कि 125 करोड़ युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, परंतु आज की तारीख में जहाँ चाइना में 50,000 युवाओं को प्रतिदिन नौकरी दी जाती है, वहीं भारत देश में मात्र 450 युवाओं को नौकरी मिलती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, थोड़ा सा तो युवाओं पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ें। जहाँ पे नौकरी की बात है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कमियाँ हैं, लेकिन हाँ थोड़ी सी है, सरकार इस चीज़ में वीक है। लेकिन मेनली अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें वो बहुत बेस्ट चीज़ें कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कई बार गलत चीज़ें हो जाती हैं, लगती हैं लोगों को शॉर्ट टर्म में गलत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखा जाए तो हमेशा देश तरक्की ही करेगा जो चीज़ें वो कर रहे हैं उनसे। और ऐसे कई फैसले भी लिए थे मोदी ने, जैसे कि जनधन योजना में करोड़ों बैंक खाते खुलवाए थे और वहीं आधार कार्ड से भी लिंक करवाया गया था, तो क्या लगता है आपको ये जो फैसले लिए थे ये जनता के
पक्ष में है? बहुत हित में ही ये चीज़ें, आधार कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी भी था इंडिया में ये लीगलिटीज़ आना, क्योंकि इंडिया में आई थिंक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लैक करते हैं, वी आर लैकिंग बिहाइंड, तो हमें वहाँ चीज़ उन चीज़ों को कवर करना चाहिए। आधार कार्ड उस चीज़ को कहीं ना कहीं कवर कर रहा है, थोड़ी सी उसमें कमियाँ हैं लेकिन वो सारी चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे सही, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें बेनिफिट्स ही हैं हर जगह। तो क्या लगता है आपको कि ये चार साल में एक सफल गवर्नमेंट साबित बोल सकते हैं अपन मोदी गवर्नमेंट को? हाँ, अगर 70 साल से कंपेयर करें तो 4 साल बहुत बेहतर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये थे इंदौर के युवा जिनको लगता है कि मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी सुधार कार्य किया है भारत देश में। और आपको ये भी बता दूं कि युवा पीढ़ी जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि मोदी ने करियर को लेकर काफ़ी सही डिसीजंस लिए हैं, और उनका ये भी मानना है कि आने वाले 5 सालों में मोदी सरकार को एक बार और मौका देना चाहिए। तो मैं हूँ युवराज सिंह पुरावत अरुण यादव के साथ MP News के लिए।